आपका नाम? चंदन कुमार। कहाँ से आए चंदन जी? जी मैं पटना से आया हूँ। पटना से जी। ये इवेंट आपने अटेंड किया, रुचिर सर की आपने स्पीच सुनी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इन्होंने पहले ही बताया कि आप इंटरनेट से दूर रहना है और एफएनओ से दूर रहना है, जो हमको सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि मैंने मार्केट में 3.5 साल से हूँ, तो इसलिए मैं और अच्छे से रिलेट कर पाया और ज्यादा समझ पाया इसको अच्छाई से, क्योंकि ज्यादातर लोग यही एफएनओ और इंटरनेट के चक्कर में ही फंसते हैं। ये सर जो बात बोले मेरे को दिल को छू गया, सही बोल रहे हैं। अभी जैसे आप ट्रेडिंग करते हो तो किस मेथड पे करते हो? और जी मैं टोटली पहले इंडिकेटर बेस्ड करता था, लेकिन लास्ट 1 साल से मैं प्योर प्राइस एक्शन पर कर रहा हूँ, कैंडलस्टिक पर करता हूं। अभी जो न्यू कमर है, जो स्टॉक मार्केट को जानना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? सजेशन यही है, रुचि सर जो बताए हैं सही बताए हैं, स्टार्ट कीजिए पोजिशनल से और बड़ा प्रोस्पेक्टिव से सोचिए, मतलब ज्यादा टाइमिंग के सोचिए, ये 1 दिन या 2 दिन के नजरिए से नहीं देखिए, ज्यादा दिन के लिए उसके लिए पोजिशन ही आएगा, पोजिशनल ही ट्रेड हो सकता है, जो सर भी यही बता रहे थे। तो आपको लॉन्ग टर्म सोच के करना चाहिए और आना भी चाहिए, इसमें बेस्ट करियर है, वन ऑफ द बेस्ट करियर है, स्पेशली फॉर इंट्रोवर्ट। तो आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे, मार्केट में उसको कैसे सीख के आना चाहिए या फिर तुरंत से उसको ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए? पहले तो एकदम जितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं खुद पर कीजिए, सीखने के बारे में कीजिए, क्योंकि यहाँ नॉलेज और एक्सपीरियंस का ही ये जगह है, नहीं तो आपका पैसा लूज हो जाएगा और सीख भी नहीं पाइएगा, कमाने के नजरिए से आइएगा। तो जो GCD मेथड है, ठीक है, तो उसका वेबिनार होने वाला है जी, उसको लेके आप कितना एक्साइटेड हो? मैं जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि कैसे होता है, क्योंकि मैं भी सीखना ही, मैं इसी में लाइफ अपना मतलब अपना देख रहा हूँ करियर, तो मैं सीखना चाहूंगा। स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग मतलब रुचि गुप्ता ट्रेनिंग से एकेडमी।